नमस्ते। चलो चिंटू बेटा, तुम खड़े हो। क्यों सर, मैं क्यों खड़ा हो? अरे मैंने कहा ना, तुम खड़े हो जाओ, हो जाओ। बोलिए सर, मैं खड़ा हो गया। पढ़ ले नालायक, तुमने कभी अपनी बुक खोल के देखी है? हाँ, मैं तो रोज खोल के देखता हूँ। कौन सी बुक और कब खोली? मैं घर जाके रोज मेरे मोबाइल में फेसबुक खोलता हूँ। ओ पिछले बेंच पे मोटू बेटा, क्यों रो रहे हो तुम? क्या हुआ तुमको? मास्टर जी, आपने मेरी टिफिन खा ली, इसलिए मैं रो रहा हूँ। ओ ऐसा है क्या? सॉरी बेटा, अब तुम घर जाकर क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा कि कुत्ते ने खा लिया मेरा टिफिन। सर, मैं आपको एक जादुई बात बताऊं? बेटा, नाबालिग बच्चों से फालतू की बात नहीं सुनता मैं। सर सुनो तो सही, बहुत मजा आएगा। अच्छा, मजा आएगा, चल सुना फिर। सर, रात को जब मैं बाथरूम जा रहा था, बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो अपने आप लाइट जलने लगी और ठंडी ठंडी हवा आने लगी। ऐसा मेरे साथ हुआ, मेरे घर में मुझे लगता है भूत है। सर, इसमें हंसने वाली बात क्या है? आंसू नहीं तो और क्या करूं बेटा? सर, क्या हो गया, आप इतने हंसने लगे हो? मेरी बात ऐसी है क्या, हंसने वाली? बेवकूफ, तुमने फ्रिज को बाथरूम समझकर दरवाजा खोला था, इसलिए मुझे हंसी आई। अरे बेटा, बताओ तुम में से कौन कौन जंगल में गया है? मास्टर जी, मैं गया हूँ जंगल में। यहाँ पे आगे आ जाओ। बोलो मास्टर जी, मैं आगे आ गया। शाबाश बेटा, तुम लगते भी जंगली हो। अच्छा तो फिर बताओ कि तुमने जंगल में क्या देखा? सर, जंगल में मैंने देखा दो बड़े सांप पेड़ पर लटक रहे थे। ओ फिर क्या हुआ? सर, फिर मैं उसके पास गया और कान में कहा, लटकने से हाइट नहीं बढ़ेगी, मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन पिलाए।